आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एक्सोटिक बर्ड्स किंगडम। मैं जाफर खान एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर एक्सोटिक बर्ड्स किंगडम में। दोस्तों, जैसा कि मैंने दो तीन वीडियोस भी डाले हुए हैं कि आजकल कभी कस्टम वाले बर्ड्स को लेकर परेशान कर रहे हैं, जो भी लोग जो है वो बर्ड्स पाल रहे हैं अपने घर में, जो भी बर्ड लवर हैं, पेट्स लवर हैं, इनको कस्टम वाले परेशान कर रहे हैं क्योंकि एक्जॉटिक बर्ड्स में कुछ लोगों ने दिक्कतें भी की हैं, स्मगलरिंग के जो है वो मसले आए हैं सामने, तो बर्ड को स्मगल किया हुआ है उस तरीके से। फिर जो है जो बड़े लोग गड़बड़ करते हैं तो उसमें ना गेहूं के साथ में घुन पिसने वाली कहावत कही जाती है। तो क्या होता है कि जो लोग हॉबीस्ट हैं, अपने घरों में बर्ड्स रखे हुए हैं, कुछ जोड़े रखे हुए हैं, तो उनके ऊपर भी जो है वो गाज गिरी आती है, उनके ऊपर साथ में भी जो है वो दिक्कतें आ जाती हैं। तो मैंने उसके रिगार्डिंग आप लोगों से बात करी थी कि किस तरीके से DRI वाले, NGOs वाले, फॉरेस्ट वाले परेशान कर रहे हैं, और उनसे जो है वो निपटने के लिए मैंने सोल्यूशन भी बताया था कि किस किस तरीके से हमें क्या क्या चीजें जो है वो क्या क्या गाइडलाइंस जो है वो जो फॉलो करनी है, ताकि हमें जो है जब हमारे यहाँ वो आके चेक करें तो उस तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो उसके लिए जो मैंने आपको बताया था कि कट रिंग और क्लोथ रिंग जो है हमें अपने बर्ड्स को पहनाने हैं, जो भी चिक्स निकलना है अगली ब्रीडिंग सीजन में, जो भी चिक्स आना है उन सबको क्लोथ रिंग देना है, और जो पहले से हम लोग बर्ड्स रख चुके हैं उनको एटलीस्ट कट रिंग तो दे देना है। कट रिंग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, बट क्लोथ रिंग जो होता है वो जस्ट लाइक आधार कार्ड होता है। क्लोथ रिंग के ऊपर आपका जो है वो फॉर्म का या आपके नाम से रिलेटेड कुछ जो है वो कोड होगा, और उसमें वो पूरी सीरीज चलती चली जाएगी जिसका आपको प्रॉपर पूरा रिकॉर्ड भी रखना है। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे, चलते हैं वीडियो की तरफ। हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू अवर चैनल द एक्सोटिक बर्ड्स किंगडम। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हम बर्ड रखने वालों को दिक्कतें आ रही हैं, और उनके सॉल्यूशंस ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ कि कैसे कैसे रखने हैं, तो उसमें मैंने एक बात आप सब लोगों को बताई थी कि बर्ड्स को रिंग पहनाने हैं। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिंग्स के बारे में, तो रिंग्स कहाँ से बनवाने हैं, कैसे बनवाने हैं, और जो है वो कैसे अपने बर्ड्स को पहनाने हैं, उनका सबके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिंग्स की जरूरत क्या है। रिंग्स इसलिए हमें बर्ड को अपने पहनाने हैं कि हमने जो है वो कुछ कोडिंग देके, कुछ नाम देके, और उस पर जो है उनका रिकॉर्ड पूरा मेंटेन करना है। तो जैसे कि हमने भी अभी रिंग्स बनवाए हैं, ये एवेजिनी के नाम से जो है ये रिंग्स बनते हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूंगा जहां से मैंने बनवाए हैं। और उसमें करना क्या है दोस्तों कि जो रिंग्स हैं उनमें आपको या तो अपना नाम ले लें या कुछ कोड उसके साथ में ऐड कर लें नाम के साथ में, तो इसकी आपने फॉर्म का नाम या एवरी का नाम जो आपने दिया हुआ है उसके साथ में कोडिंग ऐड कर लें। तो इस तरीके से कोड आप तैयार कर लें, साथ में इंडिया लिखना लिखा होना जो है वो बहुत जरूरी है। इसी तरीके से मैंने भी जो है रिंग्स बनवाए हुए, इंडिया लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये उसकी पुष्टि करता है, ये इसको क्लियर करता है, ये इसको प्रूव करता है कि जो क्लोज रिंग बर्ड पहने हुए है या आपने इंडिया में ब्रीड ली हुई है, आप इसको स्मगल करके बाहर से नहीं लेकर आए हुए। तो दोस्तों, बिल्कुल जो है मैंने इसी तरीके से कुछ नाम दिया हुआ, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, वाजे कर दूं कि मेरे चैनल का जो नाम है मैंने इसको लिया हुआ है अपने कोडिंग के लिए, इसका इस्तेमाल किया हुआ है। तो मैंने लिया है एक्सोटिक बर्ड्स किंगडम, इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है मैंने एक्सोटिक बर्ड्स किंगडम को लिखा है। देन उसके साथ में मैंने बजीज के लिए जो कोडिंग करी है वो 501 से स्टार्ट करी है। देन उसके बाद जो है वो इंडिया आ गया, शॉर्ट फॉर्म में INDIA आ गया। मैं भी आपको दिखाऊंगा पूरा प्रोफॉर्मा कि किस तरीके से परिणीत मैम ने जो एवेजिनी के नाम से जो रिंग्स वगैरह बनाती हैं तो किस तरीके से उन्होंने मेरा प्लान आउट करके दिया हुआ है। तो जैसे आप लोग देख भी रहे होंगे इसमें कि इस तरीके से मैंने इतने इतने रिंग्स जो हैं वो तैयार कराए। तो जो मैंने 501 से सीरीज ली हुई है वो मैंने अपने बजीज के लिए ली हुई है, इनको मैंने क्लोज रिंग्स देने। देन जो लव बर्ड्स के मेरे पेयर हैं मैंने इनको जो है जो उनके जो चिक्स हैं
उनके लिए मैंने जो कोडिंग स्टार्ट करी है वो 701 से स्टार्ट करी है। देन जो लव बर्ड्स के जो पेरेंट्स हैं जो अभी मेरे पास जो आगे ब्रीड करेंगे उनके लिए मैंने कटरिंग्स जो मंगवाए हैं उनकी जो है मैंने जो सीरीज दिया हुआ है वो 901 से स्टार्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग भी जो है अलग अलग बाइफर्केशन करके अलग अलग सीरीज से जो है वो कोडिंग कर सकते हैं और ये पहनाना बहुत जरूरी है, इनका रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। हम रिंग सेरेमनी भी कर सकते हैं, उसका एक वीडियो शूट करके रख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। तो रिंग्स के लिए जो है बिल्कुल आप लोग जो है वो स्ट्रिक्ट हो जाएं, जो भी आपके पास बर्ड हैं उनको कटरिंग देके जो है उनका रिकॉर्ड मेंटेन करें और जो भी आप ब्रीड ले रहे हो उनके लिए जो है चाहे वो बजीज क्यों ना हो बजरी घर के लिए भी जो है आपको रिंग देना बहुत जरूरी है। आप क्लोज रिंग बजरी घर के लिए बनवाएं, कोडिंग दें उसके ऊपर, इंडिया जरूर लिखवाएं जिससे कि जो है ये पुष्टि हो सके, ये प्रूफ हो सके कि ये बर्ड जो है आपने अपने यहाँ इंडिया में ब्रीड कराई हुई या आपने बर्ड स्मगल नहीं किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि रिंग्स की जरूरत क्यों है और क्यों पहनाना जरूरी है। तो फिर एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल अच्छा लग रहा हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और वीडियो को शेयर करें। आगे फिर मुलाकात होगी कुछ नए टॉपिक के साथ में और जब ये रिंग्स बन के आ जाएंगे दोस्तों तो बिल्कुल मैं आप लोगों को जो है वो बिल्कुल दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से रिंग आए हैं बन के और उसके बाद जब मैं रिंग सेरेमनी करूंगा अपने बर्ड्स को रिंग प्रोवाइड कराऊंगा तो वो भी मैं आप लोगों को एक वीडियो शेयर करूंगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज़।